आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी और मैं हूं प्रभजीत सिंह। मुंबई में ओला उबर ड्राइवरों की काफी दिन से हड़ताल चल रही थी। ड्राइवरों की एकता देखने लायक थी। काफी दिनों से ड्राइवर अपनी गाड़ियां रोककर खड़े हुए थे, ड्राइवर अपनी गाड़ियों की किस्त नहीं दे पा रहे थे, अपने घरों का खर्चा नहीं चला पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपनी मांगों पर डटे हुए थे। उन्होंने अपनी एकता को दिखाया कि वो कंपनियों के आगे नहीं झुकेंगे। कल शाम को 2 नवंबर को रात 10 बजे इस हड़ताल को वापस लिया गया। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री दिवाकर रावते से ओला उबर कंपनियों के नुमाइंदे और ओला उबर ड्राइवरों के यूनियनों के लीडर कल मिले और उस मीटिंग में काफ़ी बातें हुई, जिसके बाद इस हड़ताल को वापस लिया गया। महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघ के गोविंद मोहिते ने बताया कि कल जो मीटिंग हुई उसमें ओला उबर कंपनी के नुमाइंदों की तरफ से कहा गया कि कंपनियां जल्द ही ऐसी पॉलिसी बनाएंगी कि फ्यूल प्राइजेस के अनुसार भाड़ा भी कम ज़्यादा होता रहे। मतलब अगर फ्यूल प्राइजेस बढ़ेंगे तो ड्राइवरों को भाड़ा ज़्यादा मिले, अगर फ्यूल प्राइजेस कम होते हैं तो भाड़ा कम हो। मतलब इससे ड्राइवरों का नुकसान ना हो, कंपनियां ऐसी कोई पॉलिसी तैयार करेंगी। लेकिन इसके लिए कंपनियों ने फिलहाल 15 दिन का समय मांगा है। इसके अलावा एक और बात जो कंपनियों की तरफ से कही गई कि वो दिवाली के मौके पर ड्राइवरों को इंसेंटिव देंगी। मुंबई मिरर की एक खबर में जिसमें इस इंसेंटिव के बारे में बताया गया, उसमें जो इंसेंटिव के बारे में डिटेल थी उसमें ये था कि 2 ट्रिप्स करने पर 825 रुपये, 4 ट्रिप्स करने पर 1500 रुपये, 6 ट्रिप्स करने पर 2250 रुपये, 10 पर 3875, 16 पर 6650 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 ट्रिप्स करने पर 20,000 रुपये का इंसेंटिव ड्राइवर को मिलेगा। लेकिन ये इंसेंटिव सिर्फ 15 नवंबर को शाम 4 बजे तक ही मान्य है, उसके बाद ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ये इंसेंटिव सिर्फ ड्राइवरों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए दिया जा रहा है, ये कंपनियों का कहना है। इसके अलावा अभी जो पॉलिसी है वो जल्द ही 15 दिन बाद कंपनियों ने कहा है कि वो बना लेंगी, उससे भी उनका कहना है कि ड्राइवरों को फ़ायदा मिलेगा। तो फिलहाल जो यूनियनें हैं उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती, 15 दिन बाद भी कंपनी ऐसी की पॉलिसी नहीं बनाती जिससे ड्राइवरों को फ़ायदा हो, तो वो फिर से हड़ताल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं कि मुंबई में हड़ताल वापस ले ली गई है, अभी ड्राइवर अपनी गाड़ियाँ चला सकते हैं। सिर्फ मुंबई के नहीं बल्कि पूना से भी ड्राइवर काफ़ी परेशान थे, क्योंकि पूना से भी काफ़ी आउट स्टेशन की राइड्स बुक होती हैं, तो ड्राइवर मुंबई भी आते जाते रहते हैं। तो पिछले 10 दिन से वो बहुत कंफ्यूजन में थे कि वो मुंबई की राइड लें या ना लें, क्योंकि हड़ताल काफ़ी ज़ोरदार थी। काफ़ी ड्राइवर मिलकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि वो कंपनियों के आगे नहीं झुकेंगे। तो अभी के लिए तो ये बिल्कुल साफ है कि हड़ताल वापस ले ली गई है, तो ड्राइवर चाहे पूना से हो चाहे मुंबई से हो, वो कहीं से भी अपनी कैब मुंबई में चला सकते हैं, अभी हड़ताल नहीं है। लेकिन आने वाले समय में अगर कंपनियां, जो कंपनी ने 15 दिन का समय मांगा है, अगर मांगे नहीं मानती है, ऐसी कोई पॉलिसी बनाने में सफल नहीं होती जिससे ड्राइवरों का नुकसान होना कम हो जाए या नुकसान ना हो, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाती, तो ये हड़ताल दोबारा की जा सकती है। इसके अलावा एक और बात जो चर्चा में थी कि मुंबई में पिछले 2-3 दिन से ओला का दफ्तर बंद पड़ा है, तो इसके बारे में हमने एक ओला के उच्चतम अधिकारी से बात की। हम उनका नाम तो जनतक नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि हड़ताल से इसका कोई संबंध नहीं है, दिवाली की छुट्टियों के चलते दफ्तर बंद किया गया है। देश में और भी कई जगह पर 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए दिवाली के लिए दफ्तर बंद किया गया है, तो इसको हड़ताल से ना जोड़ा जाए, ये उन्होंने कहा। तो अभी देखें तो ड्राइवरों का संघर्ष रंग लाता दिख रहा है, बाकी 15 दिन बाद पता चल जाएगा कि कंपनियां कैसी पॉलिसी बनाती हैं और ड्राइवर उससे कितने संतुष्ट होते हैं। लेकिन मुंबई में ड्राइवरों ने एकता का सबूत दिया और उन्हें ट्रांसपोर्ट मंत्री ने बुलाया, कंपनी ने उनसे बातचीत की। काफ़ी दिन तक उन्हें दिक्कत तो आई, लेकिन फिलहाल लग रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलों का हल हो जाएगा। तो अब आप गाड़ी चला सकते हैं, हड़ताल बंद है। तो इस खबर पर कोई भी और अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर देंगे। तब तक के लिए देखते रहें ट्रांसपोर्ट टीवी। शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि ट्रांसपोर्ट जगत की कोई भी खबर छूट ना जाए।